बोल बोल रहा ना। गुड मॉर्निंग एवरीबडी, आई एम मनोज नागर, आई एम गिविंग लेक्चर ऑन फंक्शंस इन सी। फंक्शन इज अ प्रोग्राम विच परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर टास्क व्हेन कॉल्ड। फंक्शन एक सब प्रोग्राम होता है जब इसे कॉल किया जाता है, जब कोई पर्टिकुलर टास्क होता है। सी प्रोग्राम एक होता है कलेक्शन ऑफ सम फंक्शंस। सी प्रोग्राम क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सम फंक्शन। मेन इज द प्री डिफाइंड फंक्शन फ्रॉम वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम स्टार्ट। मेन क्या होता है? प्री डिफाइंड फंक्शन फ्रॉम वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम स्टार्ट। सी प्रोग्राम इक्वल टू मेन यूजर डिफाइंड फंक्शंस। मेन क्या है? एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। जब भी एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है प्रोग्राम का? मेन से। सी प्रोग्राम, हर एक सी प्रोग्राम में मेन फंक्शन, एटलीस्ट एक फंक्शन होता है, दैट इज मेन फंक्शन। और फिर यूजर डिफाइंड फंक्शंस ऑप्शनल होते हैं इसमें। यूज़ ऑफ फंक्शन से आप रीयूजेबिलिटी को यूज़ करते हैं या इसे या और मॉड्यूलरिटी को अचीव करते हैं। कोई भी कोड को रीराइट करना है, रीयूज करना है। कोड फंक्शंस आर यूज्ड टू अवॉइड राइटिंग सेम कोड अगेन एंड अगेन इन ए प्रोग्राम। सी फंक्शंस आर यूज्ड टू अवॉइड रीराइटिंग सेम कोड अगेन एंड अगेन इन ए प्रोग्राम। सी फंक्शन का उपयोग किया था कोड, वही कोड को बार बार लिखने के बजाय आप सी फंक्शन का उपयोग कर सकते। वी कैन कॉल फंक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम्स इन ए प्रोग्राम एंड फ्रॉम एनी प्लेस इन प्रोग्राम फ्रॉम द सेम टास्क टू बी परफॉर्म। सी फंक्शन को कितनी भी बार कॉल किया जाता है कोई सेम टास्क को परफॉर्म करे। एक फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को कॉल किया जाता है, जिसे रिकर्शन कहा जाता है। डिवाइडिंग अ बिग टास्क इन टू स्मॉल पीसेस इंप्रूव्स अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ वेरी लार्ज सी प्रोग्राम। प्रोग्राम कैन इजीली बी ट्रैक्ड व्हेन इट इज डिवाइडेड इनटू फंक्शंस। लार्ज सी वन कैन इजिली बी ट्रैक्ड व्हेन इट इज डिवाइडेड इनटू फंक्शंस। डिवाइडिंग अ बिग टास्क इनटू स्मॉल पीसेस इंप्रूव्स अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ वेरी लार्ज सी प्रोग्राम्स। लार्ज सी वन कैन इजिली बी ट्रैक्ड व्हेन इट इज डिवाइडेड इनटू फंक्शंस। डिफाइनिंग ए फंक्शन, फंक्शन डेफिनेशन डिक्लेरेशन, फंक्शन रन टाइप, फंक्शन नेम, लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, फंक्शन बॉडी। फंक्शन डेफिनेशन दिस कंटेन्स ऑल द स्टेटमेंट्स टू मेक इट। फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन प्लस फंक्शन बॉडी। फंक्शन बॉडी इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट इंक्लोज इन कर्ली ब्रैकेट्स और फ्लावर ब्रैकेट्स, वॉइड मेन इंटीजर रिटर्न प्रिंटफ। इन द फर्स्ट लाइन फंक्शन डिक्लेरेशन, देन फंक्शन डेफिनेशन इन द कर्ली ब्रेसेस, दिस इज द बॉडी ऑफ द फंक्शन। क्या बताया गया है? इसे फंक्शन की बॉडी बताई गई है जो कर्ली ब्रैकेट्स में रहे हैं, इंटीजर रिटर्न प्रिंट एफ से प्रिंट करता है। फंक्शन टर्मिनल, फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन कॉल, फंक्शन प्रोटोटाइप और डिक्लेरेशन फ्रॉम कंपाइलर अबाउट द फंक्शन नेम, फंक्शन पैरामीटर्स एंड रिटर्न। रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर लिस्ट, फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन कॉल,
Function data recognizes this informs compile about the function name, function parameters, and return values. Return type function name parameter list. This is written before main function to inform the compiler that there exists a function in the program. Function call. This system actually calls यह system function को call करता है. Syntax function name, list of parameters. इस तरह से function को call करता है. Statement is written in the calling statement को function calling में. With this statement, the control is transferred to the function definition. Example sum 10 count 20. इस तरह से function को call किया जाता है. Function calls can be defined in any one of the following different ways. No arguments. No return value, no arguments with return value, with arguments, no return value, with arguments, with return value. Arguments, this value are passed from main functions to the invoked function. Program to print the sum of given two numbers using functions, no argument, no return value, void add function, prototype, void main. Add void add integer a comma b comma c semicolon. क्या दिखाया है इस प्रोग्राम में? प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ गिवन टू नंबर्स यूजिंग फंक्शन. सिंपल सा प्रोग्राम. इसके लिए एक फंक्शन लिखा है void add. void main में फिर add को कॉल किया है. इंटीजर a b c तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं. इसी फंक्शन को फिर दिखाया गया है इंटीजर ऐड. इसमें पैरामीटर पास नहीं किए ग्लोबल पैरामीटर के साथ. ये फंक्शन फिर दिखाया गया है इसमें दो पैरामीटर के साथ दिखाया गया है इसी फंक्शन को. इसमें क्या दिखाया गया? इस तरह से void and int int prototype डिक्लेयर किया मेन किया. इंटर एनी टू नंबर्स स्कैन एफ एम परसेंट डी परसेंट डी एम परसेंट ए परसेंट बी एड ए कॉमा बी फंक्शन कॉल. With arguments with return value integer add int comma int function prototype void main integer a comma b enter any two numbers scanf percent d percent d ampersand a ampersand b sum is add a comma b methods of function calls. There are two methods that a function can be called from a program. They are call by value, call by reference. Function को दो प्रकार से किया जाता है. तो call by value, call by actual argument. This is the argument which is used in the function. Actual argument वह argument से function actually call होते हैं. Sum a comma b, a और b इसमें actual arguments है. This is the argument which is used in the function definition. This is the argument which is used in the function definition. Void sum int m int n m n n are formal arguments. Call slash for in this method the values of actual arguments are passed into formal arguments. Different memory is allocated for both actual and formal parameters. The value of the actual parameter cannot be modified by formal parameter. Call slash pass by reference. In this method, the address of the variable not value is passed to the function as parameter.